फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा बहुत दिन के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहा था। तो उसके लिए आप लोग को दिल से सॉरी। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोग से। तो चलिए बताते हैं मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैसा रहा। कुछ अच्छा भी रहा, कुछ ख़राब भी रहा। आप लोगों को पता है, जब पढ़ कर जाइएगा तो इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था। जिस बार पढ़ कर गए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा था, इस बार उतना पढ़ाई नहीं करेगा। एकदम इजी इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, फिर भी कोशिश करके सबका आंसर देने का कोशिश किए। तो एग्ज़ाम तो देने गए, लेकिन खुद पे ही भारी पड़ गया। तो आप लोगों क्या ही बताएं, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे और मैं मशीन भी नहीं चला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं। लोगों ने मेरा पैर का हालत तो देख ही लिया होगा, क्या मेरा पैर का हालत है। थोड़ा ज़्यादा कट गया है, इसी की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा। पता नहीं कैसे, ना एक्सीडेंट हुआ ना चोट लगा, कुछ भी नहीं। बस एग्ज़ाम देने जा रही थी बाइक से, और पता नहीं कैसे बाइक हुचका और थोड़ा सा कट गया। मशीन भी नहीं चलाने के लिए बन रहा है, और तीज आ रहा है। तीज के समय में कपड़ा लगा सिलाई करना होता है, सभी लोग का कपड़ा हम रिटर्न कर दे रहे हैं। क्या हम बोलें, बहुत कष्ट में है। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, मेरा कोई सोल्यूशन बताइए कैसे ठीक होगा। तो एग्ज़ाम मिला जुला के मेरा ठीक ही रहा, बट एक जानते हैं ना, एक चीज़ खो पाने के लिए एक चीज़ खोना पड़ता है, बस वही मेरे साथ हो गया। बट कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम खुश हैं और अच्छा हैं और आगे भी रहेंगे। तो दिक्कत यही होगा कि मतलब मशीन चला रहे हैं तो भार नहीं देने के लिए बन रहा है, और तीज का कपड़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मेरा खुद भी सिलना है, तीज का तैयारी करना है, और ज़्यादा दिन टाइम भी नहीं है। तो और उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा मशीन में भी हो गया। मशीन भी धोखा दे रहा है साथ साथ में, क्या ही बताएं। देख लीजिए, ये भी चला रहे हैं ना, तो देखिएगा कैसे आवाज़ करेगा। अब देख लीजिए, इधर मेरा कपड़ा यहाँ पे भी है, यहाँ है, और इधर सारा भी करके रखा हुआ है, और क्या ही बताएं हम। मशीन देख ही रहे हैं क्या हाल हो गया है पैर का मेरा, और तो तीज का तैयारी करना है, कैसे होगा आप लोग बताइए कुछ। और जल्दी जल्दी मनाइए भगवान से कि मेरा पैर ठीक हो जाए, एग्ज़ाम देने का बहाना हो गया हमें। और हाँ, ये भी भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो में ही एंड करते हैं, क्योंकि खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फिर इसी तरह से प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय बाय।